bulla. मम्मी क्या हुआ कल प्लान? घर में आटा खत्म हो गया है। बरवा में से 2 किलो गेहूं निकाल रहे हैं और रामू काका के यहाँ जाकर पिसवा लाए। अम्मा गेहूं में कीड़ा हो गया देखिए तो। हाँ ये तो पूरा गेहूं में कीड़ा लगा हुआ है। अच्छा गेहूं तो खराब हो गया, ये 1 किलो आटे पे दुकानिया से खरीद के ले लो। ठीक है मम्मी। ठीक है जाओ। प्रणाम दीदी। प्रणाम। कैसे आए हैं? हाँ ले ले बस। इधर तक गुजर रहा तो सोचली बड़ी दिन हो गए मिलते चले हैं। ठीक है लो चल नहीं बहुत दिन भाई हो गए चल थक गए ना हो पैर हाथ धो ले हम तोरा लगे खाना निकाले हो। ठीक है खो। खाना अच्छा लगलो ने? हाँ दीदी खाना बहुत स्वादिष्ट हलो। चल बैठ के फिर आराम से बात करते हैं। ठीक है। आप बताओ घर के हाल चाल कैसन हो? की बताइयो रिंकू हर साल की तरह एहो साल हमारे गोहमा में कीड़ा लगे लो है ओकरे से एकदम परेशान रहियो। अनाज के कहाँ रखे हैं? गोमा के तो अच्छा से 3 के डिब्बा में पैक करके भंडार घर में ही रख लिए। चल देखा तो हमरा कहाँ रखनी है? चल देखा भाई। आओ रिंकू देख एजी तो रख लिए है। एकरा में हवा नहीं लगा है पानी भी नहीं लगा है लेकिन हर बार एकदम कीड़वा लगिए जा है। ड्राम में जंक लगल है आसपास गंदा भी है कीड़ा तो लगबे करते हैं। अच्छा हमरा तो लग लगल के हम सही जगह पे रख लिए ड्रमा। अनाज के भंडार के लिए कुछ बात ध्यान में रखे पड़ा है। चल तोरे घर में हम अच्छा जगह देख के बताबियो। अच्छा चल बता दे। ई घर कैसन रहते भंडार घर बनावे ले? हाँ ई घर ठीक हो भंडार घर बनवे ले। भंडार घर के साफ सफाई बाद में करो पहले चल अनाज के सुखा दे। ठीक है चल। गेहूं के डिब्बा में काहे सुखा रहा लिया? एकरा में कीड़ा लगे ले ना तो एकरा हे गुनी सुखा रहा लिया कि एकरा कीड़वा बाहर निकल जाए। अनाज भंडारण के लिए कुछ सामान की जरूरत है बेबू ओकरा हम तोरा लिखवा दियो तो कोई से मंगवा लियो। अच्छा ठीक है लिखवा दे। इस सामान के भी जरूरत पड़ते दीदी अपना कोई से भेज के मंगवा लो। ठीक हो लो मंगा लो। देख दीदी अनाज भंडारण के लिए ऐसा अनाज के चुनाव करना चाहिए जकरा में कि कीड़ा के प्रकोप नहीं हो और साफ सुथरा अनाज होना चाहिए। पर रिंकू हमारे अनाज में तो कीड़ा लग गए है। अगर गेहूँ में कीड़ा लग गए दीदी तो ओकरा अच्छा से साफ कर देना चाहिए और 2-3 बार धूप में ओकरा सुखाना चाहिए। देख दीदी गेहूं सुखावे के बाद दांत तले के देखो कि कट से 2 भाग में बट गले तो समझो कि गेहूं सही सुखल है। गेहूं भंडार करे ले की सामान के जरूरत होवे है वो पहले हम तोहरा बता दियो। जितना तोरा अनाज है दीदी भंडार करे के उतना नया बोरा तोरा पहले ले लेना चाहिए। अच्छा जुटवे के बोरवा में गेहूं रखबे? कोई चीज के भी बोरा लम्बे दीदी चाहे जूट के हो चाहे प्लास्टिक के हो लेकिन नया होना चाहिए। देख दीदी गेहूं भंडार करे से पहले ओकरा अच्छा से सुखा देना चाहिए और साफ कर देना चाहिए ताकि ओकरा में कोई कीड़ा उड़ा नहीं हो। जे घर में भंडार करबो दीदी ओकरा में कीटनाशक के छिड़काव करना जरूरी है एकर नाम है मेलाथियन। अगर दीदी मेलाथियन दवाई नहीं मिला है तो गैमेक्सिन दवाई भी तोरा कीटनाशक के दुकान में आसानी से मिल लेते।
आ दीदी भंडारण करे के लिए हमरा नीम के कुछ सूखल पत्ता भी चाहिए। आ दीदी कुछ हमरा बालू के भी जरूरत पड़ते, दवाई में मिला के छिड़काव करे ले पानी। आखिर में दीदी ईट और पटरी के भी जरूरत पड़ते। अच्छा पहले ये बताओ रिंकू की भंडार घर कैसा होना चाहिए? जहाँ हम भंडारण करबे दीदी वो कमरा अगर सीमेंट वाला है तो ओकरा में रोशनी पूरा आना चाहिए और छायादार जगह में नहीं हो, मतलब अगल बगल में पूरा पेड़ से ढककल नहीं हो। देख दीदी भंडारण करे से पहले कमरा के अच्छा तरह से साफ करना है। देखी झोल उल कितना लग गल है तो ओकरा भी साफ कर देना है। देख दीदी कमरा का तो साफ हो गया अच्छा से, अब हम एकरा में दवाई के छिड़काव करबे। कमरा के कीड़ा के मारे ले 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लथियोन दवाई मिला के देना है। 3 लीटर पानी एक कमरा में लगते तो 6 ग्राम मेलाथियोन मिलाना है। देख दीदी ये दवाइया जहरीला हुआ है तेरे चलते हम दस्ताना और नहीं है तब प्लास्टिक बांध लिए, अगर दस्ताना हो तो दस्ताना पहन के एकरा छूना चाहिए कहे कि जहरीला हुआ है। अब हम 3 लीटर पानी में 6 ग्राम मेलाथियन पाउडर अच्छा तरह से मिला देंगे। जब ये दवाई दीदी अच्छा से घुल जाए तो एकरा स्प्रेयर मशीन में डाल देंगे। देख दीदी इस स्प्रेयर मशीन से रूम के कोने और दीवार में इसका छिड़काव होगा। अच्छे से हम कमरे को दवाई से छिड़काव कर दिया। लो पहले स्प्रे मशीन में निकाल दी। अच्छा रिंकू रूम में तो हम बढ़िया से झाड़ लूल झाड़ दलिए साफ उफ करिए दलिए तो फिर दवाई के छिड़काव करे के लिए? कुछ ऐसा कीटाणु होगा दीदी जो कि हम सबके अखिया से नहीं दिखा है और ओकर अंडा दीवार में चिपकल रहा है, ओकरे मारे ले दवाई के छिड़काव करना जरूरी है। कमरा के तो हम अच्छा से साफ कर दिलिए हैं, अब एकरा सूखे ले 24 घंटा छोड़ देना है। अच्छा रिंकू तो 24 घंटा बाद है रखवे एकरा में ना सूखला के बाद अच्छा से? हाँ दीदी। अब हम तोरा बता रही हूँ कि नया बोरा के कैसे हम उपचार करवे। अच्छा रिंकू बोरवा तो ये नए है तो ओकरा उपचार करे के कौन सी जरूरत पड़ ले? बोरा तो नया है ही है लेकिन अगर हम ओकरा दवाई से उपचार कर देवे तो कीड़ा लगे के संभावना कम हो जाते हैं। देख दीदी अगर भंडारण के लिए प्लास्टिक के बोरा हम ले तो ओकरा उपचार करे के कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम जूट के बोरा ले तो ओकरा उपचार करना है। जूट के बोरा के दीदी उपचार करे ले पहले हम गर्म पानी करबे। 5 लीटर अगर गर्म पानी हम ले लिया तो ओकरा में 10 ग्राम मेलाथियन पाउडर के घोल देबे। अच्छा रिंकू तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मेलाथियन पाउडर डालेंगे तो 5 लीटर पानी में 10 ग्राम मेलाथियन पाउडर मिलेगी? हाँ दीदी। अब हमारे पानी गर्म हो गए हैं एकरा में हम मेलाथियन पाउडर डाल देबे जेकरा की हम पहले से नाप ले लिया है। दीदी देखो पानी गर्म हो गए 10 ग्राम मेलाथियन पाउडर के डाल के घोर देवे। अब दीदी देखो हमें गर्म पनिया में बोरबा के डाल के 3 से 4 मिनट उबालवे। तीन से चार मिनट उबालना है रिंकू? हाँ। देख दीदी अब बोरा 3-4 मिनट उबल गए, अब एकरा निकाल के धूप में अच्छा से सुखा देवे।
24 घंटे अब रूम के सूखे दो आप बोरा भी जब तक सूख जीते और गेहूँ भी सूख जीते 24 घंटा के बाद अब आगे के प्रक्रिया पर हम इसे बात करवे। तो ठीक है, कल फिर आगे के प्रक्रिया करवे। ठीक है। तो प्रणाम दीदी। प्रणाम। बस तोरे तो इंतजार कर रहा लियो हल, ये छोटा मोटा काम है जो खत्म कर लियो ओकर बाद फिर आगे के काम कर लियो। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी, कमरा तो सूख गए, नमी तो नहीं नजर आ रहा है। कमरा तो सूखिए गए रिंकू। भंडारण करने के लिए जगह को ऊंचा बनबल दीदी, ईटा और पटरी के इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए बोरा दीदी जमीन से कम 1 फीट ऊंचा रखना चाहिए। तो रिंकू जमीन से कम इतने ऊंचा पे रख हुआ है। हाँ दीदी, सुखलका गोहमा का दीदी पूरा निमिया के पतवा मिला के बोरा में रख के ई पटरिया पर रख देवे। अच्छा रिंकू, जितना अनाज हमारा है चूल्हे है ना, जब हमें निमिया के पतवा मिला के बोरवा में रख दे। कोई भी अनाज हो दीदी, गोहूम धान मकई कोई भी अनाज हो, लंबा समय तक अगर तू ओकरा रखे ले चाहो तो ओकरा में नीम के पत्ता मिला के रखला से कीड़ा नहीं लगा है। ठीक है दीदी, इसी तरह हम सभी गोहूम में सूखल नीम के पत्ता मिला के एक हम रख दे। अब दीदी ई बोरबा के उठा के ई पटरिया पर रख देवे। अब दीदी गेहूं को अच्छे से फैला देना है, उसके बाद पेपर से इसको ढक देना है अच्छी तरह से ताकि इसमें हवा नहीं घुसे। अब हम दीदी इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर बालू का मोटा परत से ढक देंगे। बालू से एक रखा है जा पे कुछ कीड़ा ऐसा हो गया दीदी जो बोरा के ऊपरी हिस्सा में अंडा दे है, तो जब हम बालू डाल देवे ऊपर में तो वो कीड़ा अंडा ऊपर में नहीं दे सकते। अब दीदी एकरा एकदम टाइट करके सी देना है ताकि एकरा में हवा नहीं घुसे। जैसे दीदी जमीन से 1 फीट ऊंचा पर बोरबा रख लो, वैसे ही दीवारों से 10 इंच दूर पर बोरबा के रखना है। ठीक है दीदी, इसी तरह से बाकी अनाज के बोरा के भी इसी तरह सजा के रख देना है। ठीक है। अगर दीदी घर में चूहा के अधिक प्रकोप है तो चूहा दानी के भी एगो कोना में रख सको को। अगर दीदी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ते या बहुत ज्यादा पानी पड़ते, बरसात के मौसम है तब भी कमरा में नमी बन जाए तो ओकरा से बचे ले घर में पंखा भंडार रूम में चला दो ताकि कमरे में नमी नहीं बने, इसीलिए ना पंखा चलावे ले है। हाँ दीदी। तो कौन कौन बात के ध्यान रखवे रिंकू? पहला बात, जे कमरा में अनाज के रखबो वो कमरा के अच्छा तरह से साफ कर लेना है और ओकरा में दवाई के छिड़काव कर देना है। दूसरा बात जो ध्यान देना है दीदी वो ये है कि कोई भी अनाज धान मकई गेहूँ हो ओकरा धूप में अच्छा तरह से सुखा देना है ताकि ओकरा में नमी नहीं रहे। तीसरी बात दीदी, अनाज को नीम के सूखे पत्ते में मिलाकर बोरे में रखें। चौथा बात ध्यान देवे के है वो ये है दीदी कि अगर अनाज के भंडार करही तो नया बोरा में ही करवे और अगर जूट के बोरा में करही तो ओकरा उपचार करके भंडार करवे। अच्छा रिंकू, अब हम भंडार घर इसी तरह बनेवे और इन 5 बात के ध्यान रखवे। ठीक है दीदी, तो काफी समय हो गए, अब हम निकले ही थोड़ा खा के जीता हूँ। नहीं दीदी, काफी समय हो गया, अब हमरा निकलना है। ठीक है, प्रणाम दीदी। प्रणाम।